So beta, today we will do lecture number 13 of D and F block elements, and the topic which we have, which we will cover in our today's class, is very very important. As I discussed earlier, आपका जो lanthanoid contraction का part है बेटा, ये बहुत ज़्यादा important है. क्यों important है? क्योंकि this is a favorite topic of any competitive examination as well as for boards. कि इसमें से question दे ही देते हैं, इसमें से question आता ही है approx. तो lanthanoid contraction होता क्या है sir? What do you mean by lanthanoid contraction? तो एज वी मूव अलोंग द लेंथेनोइड सीरीज, जैसे जैसे हम लेंथेनोइड सीरीज की तरफ मूव करते हैं, लेंथेनोइड मूव की सीरीज के ट्रिक्स याद है आपको? एक तो सेलिना और प्रीति ने सिम्मी और पम्मी को, या पम्मी और सिम्मी को, पम्मी और सिम्मी को डंडे से मारा. सेकंड यूरोप, यूरोप इज वेरी क्लीन डर्टी सिटी, यूरोप बैन डर्टी होटल्स, यूरोप गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन डर्टी होटल्स. थर्ड ट्रिक इज ले रे टमाटर येलो और ब्लू, क्लियर. और उनके साथ साथ उनके एलिमेंट्स बनाने भी आने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जो आपके सिंबल्स है, सिंबल्स से ट्रिक बनानी नहीं आनी चाहिए, ट्रिक से सिंबल्स बनाने आने चाहिए. रिवर्स प्रोसेस शुड बी लर्न, क्लियर है. तो स्टार्ट करते हैं. एज वी मूव अलोंग द लेंथेनोइड सीरीज, जैसे जैसे हम लेंथेनोइड सीरीज की तरफ मूव करते हैं, द एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस. एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है. एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है बाय वन, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीजेस बाय वन. हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है, या फिर एक से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और या प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर की तरफ क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आता है? सी, और आगे क्या आता है? पी आर. तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा या इसका अगले वाले का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा. जरूरी नहीं है कि इससे इसमें आए तो एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या एक से ज्यादा प्रोटॉन्स भी क्या हो सकते हैं? इंक्रीज हो सकते हैं. बट वन थिंग इज क्लियर दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर गेट्स इंक्रीज. एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेम शेल इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये पीरियड एलिमेंट्स है, ग्रुप एलिमेंट्स है, लेंथेनोइड सीरीज जो है ये ग्रुप एलिमेंट्स है या पीरियड एलिमेंट्स है? ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? जो वर्टिकली आए, और ये कैसे आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली क्या आते हैं? पीरियड एलिमेंट्स. और पीरियड के अंदर क्या होता है? तो बिल्कुल बेसिक सा है कि ग्रुप के अंदर क्या होता है? ग्रुप के अंदर शेल इंक्रीज होते हैं. जैसे 1s 2s, मान लो 1s 2 है, तो ये जो ग्रुप होगा, 1s तो नहीं, 2s 2 है, 1s 2 तो हीलियम वाला ग्रुप हो गया, तो नीचे क्या आएगा? 3s 2 वाला एलिमेंट, फिर 4s 2 वाला एलिमेंट, फिर 5s 2 वाला एलिमेंट, फिर 6s 2 वाला एलिमेंट, एट लास्ट 7s 2 वाला एलिमेंट. क्लियर है? इस तरीके से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है. बट व्हेन वी मूव अलोंग टू पीरियड, मान लो आपके पास कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. तो लिथियम के अंदर क्या होता है? 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4. So you should determine that 2 is same. And what is 2? 2 denotes here
नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल तो सभी एलिमेंट्स में कितनी है, दो है, इंक्रीज क्या करता है फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पीरियड वाइज जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन आपकी नंबर शेल क्या रहती है, सेम रहती है। अब शेल सेम है सर, शेल क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी शेल में आता है तो इसके पास एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बाय सम चार्ज। मान लो ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः है तो छः प्रोटोन है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, सिक्स पॉजिटिव, न्यूक्लियर चार्ज इज सिक्स पॉजिटिव, तो छः पॉजिटिव से तो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्या इस इलेक्ट्रॉन को भी छः पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी कितने से अट्रैक्ट करेगा, सिक्स पॉजिटिव से, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो दे विल गेट रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की तरफ क्या करेगा, कम अट्रैक्शन फील करेगा, एंड दैट न्यूक्लियर चार्ज विल बी नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि छह से कम ही करेगा, कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छह दे रहा है तो ये दोनों इसको रिपेल भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कम ही करेगा, एंड दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर ऑर नॉट। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर आल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे इन द 4f ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में, 4f में ही होंगे क्या, 4f में ही क्यों होंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल कौन से आ रही है, 4f। हैविंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, ड्यू टू विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीज, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएंगी और वो शील्ड नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। सो देयरफॉर द साइज ऑफ लैंथेनोइड स्टेडली डिक्रीजेस, और जैसा कि हमने पढ़ा भी हुआ है कि पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसे अपने अंदर की तरफ खींचते हैं, क्लियर है। तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड्स, सो देयरफॉर द साइज ऑफ लैंथेनोइड स्टेडली डिक्रीजेस एंड विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे जाते जाते कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। Why it is contracting? Because the number of electrons in outermost shell increasing. इसके outermost shell में number of electrons क्या हो रहे हैं? Number of electrons increase हो रहे हैं, तो उससे क्या effect पड़ रहा है? Shielding effect क्या हो रहा है? Poor. Electronic repulsions क्या हो रही है? High. जिसकी वजह से effective nuclear charge क्या हो रहा है? Increase. And due to increase in effective nuclear charge, the electrons gets attracted. Due to which they contracted, and contraction की वजह से उनका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्लियर है, एंड दैट फेनोमेना इज नोन एज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जैसे लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसी तरीके से एक सिमिलैरिटी होती है प्रॉपर्टीज में, किसकी प्रॉपर्टीज में, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टीज में। तो ये देखो आप, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनकी ट्रिक्स भी आपने याद कर रखी होंगी। सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा,
Europe government decided to ban dirty hotels. E रे टमाटर ब्लू येलो और ब्लू. तो डिक्रीज इन एटोमिक साइज, जैसे जैसे हम पेयर्स में मूव करेंगे एटोमिक साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. क्लियर. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट. कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है ना क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड H2SO4, वॉट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस हियर. सो ओवरऑल चार्ज इज जीरो, H2 के ऊपर कितना आएगा 2, 4 के ऊपर -8 प्लस x, 2 -8 विल बी -6 प्लस x, दैट विल बी इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 6. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी 6. तो हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनोइड्स विल बी शोन बाय देम, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है. सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता था डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो सबसे शैतान था, Mn, मैंगनीज. मैंगनीज जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता था, शो करता था. द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू लैंथेनोइड सीरीज, लैंथेनोइड सीरीज से जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. इनकी जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3. फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेसियो डायमियम, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3 है. सम एलिमेंट्स एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ क्या करते हैं +2 भी शो करते हैं. इन देयर कॉम्प्लेक्सेस, अपने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इन सॉल्यूशंस, कॉम्प्लेक्सेस का मतलब आपने ए बी ए सी डी कुछ नाम का कंपाउंड बना रखा है और उसमें डी जो है वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, +2. क्लियर है. तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका समेरियम हो गया, दैट इज SM, यूरोपियम हो गया EU, थोलियम हो गया दैट इज TM, एंड वाइटेरियम हो गया दैट इज YB. ये सारे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इज इट क्लियर और नॉट. नेक्स्ट इज सम एलिमेंट्स एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सब एफ सब शेल्स, किसकी वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वाई वाई दे आर शोइंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एफ सब शेल्स. ये जो आपके एफ सब शेल्स हैं, मान लो आपके पास एफ सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो मान लो इसमें से ये एम्प्टी रह गई या फिर हाफ फिल्ड हो गई, 1, 2, 3, 4. क्लियर है, या फिर फुल्ली फिल्ड है, क्लियर है, या फिल्ड होगी, इसको फुल्ली फिल्ड भी बना सकते हैं. तो एम्प्टी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स एफ सबशेल्स की वजह से ये कई कई बार क्या शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. क्लियर है. क्यों करते हैं ये आपको पता करना है, ऐसा क्या होता है इनके अंदर जो आप ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना स्टार्ट कर देते हैं. डी ब्लॉक में करा चुका हूं मैं ये आपको. प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई फॉर्म PrO, so if the molecular formula should be decided, then Pr will be show +4 oxidation state. Pr will be show +4 oxidation state in their oxides. Oxides मतलब oxygen. Oxygen के ऊपर charge कितना होता है, -2. Pr कितना show करेगा, +4. That means Pr2O4. Pr2O4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. That means 2 moles of PrO2. Clear है. So here the oxidation state of Pr will be +4 when we are making its oxide. Clear. Cerium shows both +3 as well as +4 oxidation state. Cerium जो है आपका वो +3 भी शो करता है और साथ ही कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +4. क्लियर. एक्सेप्शन जी, एक्सेप्शन नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है, बस शो करता है. So that's all for today's lecture. After that we will move to another topics in your next class. Clear. Take revision of that class as well as attempt some questions of NCERT and exercise
for that topics which we have covered in our last 2 days for F block elements. Clear? So thank you, Peter.